सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो मेरे व्यूवर्स हैं, माता रानी की कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आपकी सभी मनोकामना को पूरी करें। दोस्तों जब इंसान परेशान होता है, दिक्कत में आता है, संघर्ष करता है, इंसानी ताकत जहां हार जाती है वहां पर इंसान क्या करता है? दिव्य शक्तियों का सहारा लेता है, रूहानी शक्तियों का सहारा लेता है, कुछ टोने करता है, कुछ टोटके करता है, उपाय करता है। तो दोस्तों उपाय टोने टोटकों में थोड़ा सा अंतर होता है। आज मैं आपको एक टोटका बताऊंगा जो आपको जूतों से करना है। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा जूतों से काफी टोने टोटके किए जाते हैं। घर में यदि नजर ना लगे, किसी की हाय ना लगे, बद्दुआ ना लगे, नेगेटिव एनर्जी घर में एंटर ना करे, तो आपने देखा होगा काफी घरों में ऊपर जूतों को उल्टा टांग दिया जाता है ताकि लोगों की जो बुरी हाय जो नजर होती है वो जूतों के जरिए उससे कट जाए। जूता जो होता है दोस्तों, वैसे तो आप सभी जानते हैं कि हमारा सच्चा साथी है, घिस घिस करके हमारा साथ देता है। जमीन की जो ताकत होती है, अब वो नेगेटिव एनर्जी है या फिर पॉजिटिव एनर्जी है, उन चीजों में भी सहायता करता है कि कोई नेगेटिव एनर्जी हमारे बॉडी में और हमें एंटर ना करे। तो दोस्तों जूतों का एक खास मैं आपको प्राचीन गुप्त उपाय है, 90% इसमें रिजल्ट मिलने के चांसेस रहते हैं। लेकिन दोस्तों बात यही आती है कि आप यदि विश्वास के श्रद्धा के साथ में इस प्रयोग को करते हैं तो आपको इसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। लेकिन यदि आप आजमाने के लिए करेंगे तो दोस्तों कोई भी चीज आजमाने के लिए करते हैं तो उसका रिजल्ट हमें पूरे तरीके से नहीं मिल पाता है। जानकारी शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूं कि जो न्यू विजिटर्स अभी मेरे चैनल पर आ रहे हैं और आप लोग यदि इस प्रकार की जानकारी में रुचि रखते हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे मेरे द्वारा दी जाने वाली हर एक जानकारी आपको आसानी से तेजी से प्राप्त हो जाएगी, कोई भी जानकारी आपसे मिस नहीं होगी। और तो जानकारी यदि पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए। आपको ऐसा लगता है कि किसी को जानकारी की जरूरत है, उस तक इस जानकारी को जरूर पहुंचाइए, शेयर जरूर करिए दोस्तों। तो दोस्तों ये जूते का जो मैं आपको प्रयोग बता रहा हूं इसको आपको करना है, वैसे तो बुधवार के दिन और रविवार के दिन में करते हैं तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि ये दिन जो कहे जाते हैं खरे दिन कहे जाते हैं। ये दिन जो होते हैं टोने टोटके के लिए बहुत अच्छा होता है, लेकिन आप चाहें तो आप कभी भी इस प्रयोग को कर सकते हैं। दोस्तों आपको क्या करना है, अगर घर में बहुत ज्यादा परेशानी लगी है या कोई आप विशेष काम को चाहते हैं कि ये काम मेरा पूरा हो जाए, कोई भी काम हो सकता है आपका, तो आप क्या करें, घर से बाहर जब निकलते हैं किसी भी कार्य के लिए, किसी भी दिन जा रहे हैं तो किसी भी कार्य के लिए घर से बाहर निकलते हैं, तो घर के अंदर जब आप एंटर हो रहे होंगे तो एंटर होने से पहले आपको क्या करना है दोस्तों ये प्रयोग काम कैसे करेगा ये मैं आपको बता देता हूं। इससे आपको आसमानी ताकत मिलेगी, आसमान की तरफ से हेल्प मिलेगी। आपकी जिंदगी में परेशानियां लगी हैं, अब जमीनी ताकत आपकी हेल्प नहीं कर पा रही है, मतलब कि पृथ्वी में जो शक्तियां हैं, जो पॉजिटिव एनर्जी है, वो आप तक नहीं पहुंच पा रही है, वो आपकी हेल्प करना चाहती है लेकिन आप तक पहुंच नहीं पा रही है, तो ये प्रयोग करने के बाद में आपको आसमान की तरफ से हेल्प मिलना शुरू होगी। तो आप जूते चप्पल जो आप यूज करते हैं, जूतों ही से करें दोस्तों प्रयोग इसको। आप जब घर से बाहर जाएंगे किसी काम के लिए और जब घर वापस आएंगे आप, तो आपको जो जूते और आपकी जो सॉक्स होंगे, मोजे, इसको आपको अंदर एंटर नहीं करना है, आपको बाहर ही उतार देना है, ठीक है। बाहर उतारने के बाद में मोजे क्या करेंगे आप, जूते के अंदर डाल देंगे और दोनों जूतों को आप उल्टा घर के बाहर ही रख देंगे, रात भर दोस्तों उसको बाहर रखे रहने देंगे। जब तक वो बाहर रखे हैं आप रखे रहने दें उनको, कोई नहीं ले जाता है। दूसरे दिन जाते हैं आप, अगर ऐसा आपको डर लग रहा है कि कोई बाहर का व्यक्ति कोई चुरा लेगा, कोई ले जाएगा, तो आप एक काम करें, घर के अंदर एक रेखा खींच दें, एक लाइन खींच दें, ठीक है। लाइन खींच करके मतलब ऐसा गेट के अंदर साइड में लाइन खींच करके एक वो बना दें, एंगल जैसा बना दें और उसमें इन जूतों को उल्टा रख दें, लेकिन आसमान खुला होना चाहिए, आसमान की तरफ जूते मतलब खुला आसमान में दिखना चाहिए। एक दिन करिए, दो दिन करिए, सात दिन तक इस प्रयोग को आप करिए, सात दिन जूतों को उल्टा रखिए, फिर बाहर आप जाते हैं दोबारा से यूज कर लीजिए इन जूतों को और बाहर के बाहर ही उतारिए, और घर के अंदर कर रहे हैं तो उस रेखा के अंदर उतार दीजिए। सात दिन इस प्रयोग को करिए दोस्तों, इससे आपको आसमानी ताकत मिलना शुरू होगी। दोस्तों पृथ्वी की ताकत अलग है और आसमान की ताकत अलग है। आसमान एक अलग तत्व है, आकाश तत्व है जो हमारी बॉडी में है, पृथ्वी तत्व है जो हमारी बॉडी में है।
तो पृथ्वी तत्व यदि आपकी सहायता नहीं कर पा रहा है तो आकाश तत्व आपकी सहायता करेगा, आपको रूहानी ताकत मिलेगी। दोस्तों एक छोटा सा टोटका है, आप कोई भी एक मनोकामना या कोई परेशानी को अपने विचार रखते हुए इस रेमेडी को आप कर सकते हैं। बस दोस्तों विश्वास के साथ में करिए कि मुझे इस परेशानी से छुटकारा चाहिए। प्रयोग करने के बाद में रिजल्ट बहुत अच्छा आता है दोस्तों, काफी लोगों पर मैंने आजमाया है, उनको काफी अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, तो ये जानकारी मैं आपके सामने भी लेकर के आया हूं। आप चाहें तो कोई मनोकामना है आपकी, वो मनोकामना मन में रख सकते हैं कि ये मेरी मनोकामना पूर्ण हो और मुझे आकाश की तरफ से रूहानी ताकतों की सहायता मिले। कोई मनोकामना सोच सकते हैं या कोई परेशानी सोच सकते हैं, कोई ऐसा काम आपका जो काफी वर्षों से रुका हुआ है, आपको लग रहा है ये काम तब तो होने वाला है ही नहीं, आपने आशा छोड़ दी है, उस काम के लिए भी इस प्रयोग को कर सकते हैं। और दोस्तों जब भी आप किसी काम के लिए बाहर जाते हैं, आपको कोई जरूरी विशेष काम है, तो आप लोग क्या करें, कहीं भी कोई ऐसा जगह दिखें जैसे आप किसी विशेष काम के लिए जाना चाहते हैं, ठीक है, और आप चाहते हैं कि ये काम मेरा पूर्ण हो जाए, तो कोई निर्जन स्थान देखें और जो यूज किए हुए जूते होते हैं आपके, जहां पे कोई भी आता जाता ना हो, मतलब कि 70% लोग वहां पर ना जाते हों, ऐसी कोई जगह देख लें आप, 100% ना जाते हो तो और भी अच्छी बात है, वहां पर जाकर के और अपने जूतों को उल्टे रख करके और वापस आ जाइए। उसके बाद में देखिए दोस्तों आपका जो काम नहीं बन रहा था वो काम आपका बनने लगेगा। कोई विशेष काम है और चाहते हैं कि इसके वो काम मेरा बन जाए, तो ये कार्य करने के बाद में फिर दूसरे दिन उस कार्य को करने के लिए आप जाइए, जूते पहले उल्टे रख दीजिए निर्जन स्थान में और फिर उस कार्य को करने के लिए आप जाइए, वो काम आपका 100% बनेगा। दोस्तों जूते जो होते हैं नेगेटिव पॉजिटिव दोनों प्रकार की एनर्जी को अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि हमारा एक सच्चा साथी है, हर प्रकार की तकलीफों से बचाता है। तो ये छोटा सा टोटका है दोस्तों, काफी अच्छा रिजल्ट आता है, उपाय कर लेने लायक है, करके देखिए अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो आज लेते हैं दोस्तों, अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा जय श्री काली, आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे।